हेलो एवरीवन एंड हेलो, वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं मैं हमजा हूं अब्बास। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हाई बनानी इज द बेस्ट। बिल्कुल तो ये तो हमें भी नहीं पता कि व्हाई बनानी इज द बेस्ट। हमें तो एक्चुअली ये भी नहीं पता कि बनानी है क्या चीज़, ये कोई टाउन है, कोई रोड है, क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना बताया गया था कॉमेंट सेक्शन से। हमें पता चला था कि ये ढाका में कोई एक जगह है और बांग्लादेश के अंदर जो ढाका है जगह उसकी है तो कैपिटल टाउन है। ही होगी, हाँ मुझे तो टाउन ही टाउन ही होगा, लग रहा है। हाँ टाउन होगा या शायद कोई बाजार भी हो सकता है हाँ कि कोई बाजार हो वहाँ पर बनानी बिल्कुल, कोई, या इस तरह वसुंधरा की तरह कोई प्रोजेक्ट वगैरह कोई टाउन भी हो हाँ सकता है, इस तरह कुछ हो सकता है। तो ये तो हमें वीडियो देख के पता चल जाएगा कि बनानी एक्चुअली है क्या, कोई जगह है या क्या चीज़ें है, और वो बेस्ट क्यों है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसमें से खास है क्या चीज़ें, हमें ये पता चल जाएगा इस वीडियो से। बिल्कुल। और इससे पहले हम ढाका पर भी वीडियो बना हाँ चुके हैं, बिटाका जिस पे तरह हम लोग हमने, ऑलरेडी हाँ बना चुके यू हैं। वॉन्ट बिलीव दिस इज ढाका पे हम वीडियो बना हाँ चुके हैं, और गुलशन 2 टू गुलशन 1 मोटो ड्राइवर्स पर भी हम बिल्कुल, वीडियो बना चुके हैं। तो ढाका तो वैसे भी काफ़ी बहुत ज्यादा ज़बरदस्त जगह खूबसूरत है है, क्योंकि बहुत बहुत ही जबरदस्त है। खूबसूरत हाँ है। और वसुंधरा आर्य प्रोजेक्ट भी हाँ, बहुत उसकी वजह बेस्ट से था। तो वो हाँ बहुत ही बेस्ट और भी आगे बिल्कुल, और मतलब प्रमोट जबरदस्त हो हो गई गया है। था, बिल्कुल, बिल्कुल और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी खूबसूरत था और बिल्कुल हमें काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल, वहाँ पे थोड़ा रश ज़्यादा था। रश का वो, हाँ हाँ वो बिल्कुल, हाँ एक गुलशन टू टू वीडियो हमने गुलशन देखी वन थी, वाले ड्राइव में हमें बिल्कुल। पता चला लेकिन था। उसके लिए भी कुछ वो अल्टरनेट रूट्स वो बना रहे हैं, हाँ तो बिल्कुल, उससे अब वो भी प्लान कम कर हो रहे हैं। जाएगा। हाँ तो आज हम बनानी के बारे में जानेंगे कि बनानी ढाका में क्या चीज़ है। मुझे तो कोई टाउन ही लग रहा हाँ है, इस तरह मुझे भी कोई इस तरह टाउन ही कुछ हो लग रहा सकता है। है। हाँ तो आज इसकी स्टूडियो में हमें पता चल जाएगा और उस पर हम अपना हाँ रिएक्शन बिल्कुल। देंगे। तो गाइस हम लोग वीडियो शुरू करें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ज़रूर, तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्हाई बनानी इज द बेस्ट। Why Bonani is the best? Bonani. Hello everyone, আমি বর্ণ। আচ্ছা বলুন তো, ঢাকার মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয় বেঙ্গালি এলাকা বলে কোনটি? রেখে, সবচেয়ে গোছানো আর নিরিবিলি? জি, আমি বনানির কথাই বলছি। ধানমন্ডি, বনানি, উত্তরা আর মিরপুরের পরে আমরা বি প্রপার্টি টিম চলে এসেছি বনানিতে। তো ঢাকা মে ভি বনানির মতলব কথা ভি মুভিজ বললেই হামনে চলে আসে দেখি থি। এখানকার লাইফস্টাইল, বিলাসবহুল আর আকর্ষণীয় সব বাড়ি এবং কমার্শিয়াল ও রেসিডেনশিয়াল স্পেসের এক ফ্যান্টাস্টিক কম্বিনেশন। কমার্শিয়াল আর ও কে রে হ্যাঁ কে রেসিডেনশিয়াল এরিয়া তে। ফ্যান্টাস্টিক, বনানিতে যারা অফিস করেন তারা নাকি ছুটির দিনেও বনানিকে মিস করেন। এর কারণ এখানে হাতের কাছে রয়েছে প্রয়োজনের সবকিছুই। বনানিতে আসতে গেলে যে আমি मुझे लग কিছুটা रहा है कोई পড়তেই रोड হবে, है और उसके रोड তবে पे वो যাতায়াতের बता रहे জন্য हैं कि इस साइड বাস, और उस साइड ট্রেন, पे ये ট্যাক্সি चीज সহ जगह আছে है। সব ধরনের बिल्कुल ট্রাফিক, टाउन है मेरे ख्याल আর में, जो এয়ার बड़े বেস रेजिडेंशियल ট্রান্সপোর্ট তো एरियाज को আছেই। भी वो दिखा रहे हाँ हैं। कुछ पता नहीं चल रहा। কাকলি থেকে গুলশান 2 কিংবা 1, বনানির নিরিবিলি গুলশান অলিগলিতে টু ঘুরে কেন বেড়ানো নিবি? একটা হ্যাঁ এক্সিলেন্ট এক্সপেরিয়েন্স। সে জায়গা কাফি ঢাকার প্যারা সব है। এলাকাগুলোর বিল্কুল, মধ্যে বনানি একটু স্পেশাল, আপনার স্বপ্নের প্রপার্টির জন্য আইডিয়াল এক লোকেশন। সুরজ জগে বিল্ডিংস কাফি দৈনন্দিন জবরদস্ত। কেনাকাটায় বিল্কুল, বনানি বাজার খুবই জনপ্রিয়, আর সুপার শপ গুলো তো রয়েছে। বনানি বনানি বাজারে বাজার আড্ডা কিংবা ডাইনিংয়ের গার্মেন্টস জন্য পুরো বনানি জুড়ে রয়েছে অসংখ্য ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। ক্যাফেস ও রেস্টুরেন্টস কে হ্যাঁ রে কে চে চে থোড়ি থোড়ি ও আজকে ইংলিশ হোটেল, লব জো ইউজ কর রে ইকোনমিক উসকি শপ, সমঝ বুটিক আ রহি। অ্যান্ড ডিজাইনার ব্র্যান্ডস, ডিজাইনার ডিজাইনার ব্র্যান্ডস। ব্র্যান্ডস আর 11 নম্বর রোড তো আমার ফেভারিট। এর রোড মেরা ফেভারিট হে। হ্যাঁ শায়দ ইস তাক্কা কুছ কে রে ইয়ে পতা নেই। নানা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটের কারণে স্টুডেন্টরা সারা দিনই মুখরিত রাখছে পুরো বনানী। ঐতিহ্যবাহী বিদ্যানিকেতন স্কুলে, থেকে শুরু করে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় সবই আছে হাতের নাগালে। নর্থার্ন ইউনিভার্সিটি, এই রোডেই আছে বি প্রপার্টির মার্কেট প্লেস, যেখানে আপনার রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত এই এরিয়ার যে কোনো ইস্যুতে অ্যাসেস করতে অপেক্ষায় আছেন ইন্ডাস্ট্রির এক্সপার্টরা। প্রপার্টি প্রপার্টি খোঁজা দেখা কিংবা কেনা বেচার ক্ষেত্রে ফিনান্সিয়াল বা লিগাল হেল্পের জন্য বনানি মার্কেট প্লেস ভিজিট ইজ আ মাস্ট। আজকে বিদায় নিচ্ছি, চলে আসবো নেক্সট কোনো লোকেশনে। ডোন্ট ফরগেট টু লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার এন্ড টু নো মোর ভিজিট www.bproperty.com। বাই বাই।
गाइस यहाँ तक थी वीडियो और बातें समझ नहीं आई है बट इतना समझ मुझे अभी भी इसी तरह लग रहा है कि बनानी कोई इस तरह रोड है लाइक, और उस रोड के आसपास जगह पे जो है ये एरियाज, ये कह रहे कि इस रोड के आसपास जो है बाजारे भी हैं और वो भी है और रेजिडेंशियल मुझे जो एरिया लग भी रहा है, मुझे है वही लग रहा है कि कोई टाउन होगा, शायद, अभी पता नहीं क्योंकि टाउन होगा। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, काफी मतलब हाँ वो है ना, मुझे इस तरह लग प्रॉपर्टी रहा भी कि होगी, ये अच्छी लोग होगी इस तरह इनके। कह रहे हैं कि लाइक ये रोड है और उस रोड के जिस तरह हमारे इधर या पिशावर में इधर जो वो है यूनिवर्सिटी टाउन का जो रोड है तो वो रोड है और उसके साइड पे कमर्शियल एरियाज और रेजिडेंशियल एरियाज और कैफेज और सब कुछ है, तो मुझे इस तरह लग रहा है कि बनानी एक रोड है तो अपने फ्रेंड और से कहते हैं कि वो हमें हाँ कोई ऐसी वीडियो दे जिसमें मतलब इंग्लिश हाँ में इंग्लिश बात में की बनानी के वीडियो, बारे में कहा बिल्कुल, गया तो तो हमें हमें पता समझ आ चल जाएगा, जाएगी कि क्योंकि मतलब। मुझे तो अभी पीछे तरह लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये कोई रोड है और उसके आसपास ये जगह है सारी नहीं, ये कोई अभी ये टाउन है पता और नहीं उसमें है, मतलब ये प्रॉपर्टी टाउन और भी हो सब सकता कुछ है, है। टाउन टाउन पे भी मुझे वो है लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इस तरह लग रहा है कि ये वो है, तो गाइज आप लोग हमें बताएं कि ये क्या है बनानी, टाउन है, रोड है, कोई लाइक हाँ एरिया है, क्या चीज है ढाका के अंदर। तो गाइज यहाँ तक थी हमारी वीडियो और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब बिल्कुल, करें। और हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर बनानी के बारे में कोई इंग्लिश में कोई वीडियो हाँ हो बिल्कुल तो वो आप हमारे साथ शेयर करें, उस पर हम रिएक्ट करेंगे और हमें ये भी पता चलेगा कि बनानी बनानी वाई बिना बनानी इज द द बेस्ट। बेस्ट। हाँ तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड गुड गुड बाय। बाय।